जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चीला टॉकीज के पास पांच लोगों ने 23 वर्षीय रत्नेश कुमार उर्फ गोलू राजपूत को घर के बाहर खींचा और लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। कैंट पुलिस के मुताबिक गोलू राजपूत अपने घर में कुछ काम कर रहा था। उसके आस पड़ोस में रहने वाले आशु, साहिल और निखिल और आशीष नामक लोगों ने उसे घर के बाहर खींचा। पांच लोगों ने गोलू पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस दौरान गोलू राजपूत हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। इस मारपीट में गोलू राजपूत बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। कैंट पुलिस के मुताबिक इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ दिनों पूर्व भी गोलू राजपूत का शनिवार और रविवार को आरोपियों से विवाद हुआ था। इस विवाद की वजह से गोलू राजपूत ने आरोपियों के घर में आग लगाने की कोशिश की थी। कैंट थाना पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साढ़े चार बजे करीबन गोलू राजपूत के मेरे घर में आए। उसके बाद पंडो पप्पो और प्लस कौन था, निखिल नायडू, शंभू और आंसू और एक और साहिल, ये पांच लोग थे भैया। ये भैया के साथ जा रहे थे। इन लोग को गाड़ी रोक के इन लोग को मारा गया है मंदिर के पास, और आप ब्लड भी वहाँ पड़ा हुआ है। और एक महीने पहले इन लोग ने फिर यहाँ पे मारे थे कान में, तो उसकी भी रिपोर्ट डली हुई है थाने में। इसके बाद में भी पुलिस के पास जाते हैं हम लोग रिपोर्ट डालने, तो पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनती है। आज हमारा भाई हमारे पास से चला गया, अब क्या करें? गोलू राजपूत क्या था, पूरी घटना का विवाद क्या है कि भैया? कोई विवाद नहीं है भैया, ये है कि मोहल्ले में रहते हैं, कभी तुमसे यानी थोड़ा आजू बाजू रहते हैं तो लड़ाई है ना, पुश्तैनी झगड़ा है उनसे। लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि दारू पिया था वो पंडो और पप्पो दोनों भाई, तो इससे जाके लड़े थे गोलू से। मेरा नाम शक्ति समुद्र है। मारे इन्होंने, पुलिस थाने जाते हैं तो कहते हैं इनका रोज का धंधा है, कोई सुनाई नहीं होती। आज मेरा 25 साल का लड़का खत्म हो चुका है। गोलू राजपूत, स्वर्गीय संतोष राजपूत उसके पापा का नाम, मेरे को इंसाफ चाहिए। कहाँ रहते हैं? सीला टाकेज बैरिक नंबर 30 कवर्धा हाउस। इसके पहले भी विवाद हुआ? हाँ, मेरे लड़के को भी एक महीने पहले कान काटा है इसने, और आज मेरे घर में टीवी, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और शोकेस और पूरा, और मेरे घर से दो जोड़ी पायल, कान का मंगलसूत्र मेरे लड़के की शादी का जोड़ के रखी थी, वो भी निकाले इनने। घटना की रिपोर्ट आपने थाने में इसके दे दी? नहीं, पहले नहीं दी हूँ। मेरे घर से, मैं बंगले से आई हूँ दौड़ते हुए, मेरे घर में मैंने देखी तहस नहस, मौजर लेके मेरे घर में घुसे हुए थे। मेरा राधा माँ हूँ मैं। सीला टॉकीज बैरक नंबर 30 में निवासी जो हैं वो वहाँ के गोलू राजपूत हैं, और इनका वहाँ के निवासी ही हैं आशु, पप्पू, पांडू, साहिल, शंभू, इन लोगों से पुराना विवाद चला आ रहा है। और इसी को लेके आज पुनः विवाद की स्थितियाँ निर्मित हुई, और जिसमें इनके द्वारा सिर में लठ मारकर गोलू राजपूत की हत्या कर दी गई। ये घटना 5 बजे करीब शाम की है, 4:30-5 बजे के बीच। सर, आरोपी फरार है या गिरफ्तार? आरोपी अभी फरार तो नहीं है, अभी रक्षा में दो आरोपी ले लिए गए, शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। हत्या के आरोपी किस तरीके से? इसमें कल एक मुकदमा कायम हुआ था जिसमें कि पांच लोगों ने मारपीट की थी। 427 अन्य सुसंगित धाराओं में थाना कैंट में मुकदमा कायम हुआ था। उसके उपरांत घायल को जब मेडिकल के लिए इलाज के लिए रेफर किया गया, उसके वहाँ पे इन चोट जो चोटों के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इसमें 302 की धारा याफा कर दी गई है, और पांच जो आरोपी हैं उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।